हर साल की तरह एक बार फिर बिहार बाढ़ की चपेट में है। साल 2005 से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर बीच के कुछ समय को हटा दें, लेकिन उसके बाद भी बिहार में हर साल बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिलता रहता है। हर साल बाढ़ आने के बाद अगले साल की बेहतर प्लानिंग की बात तो होती है, लेकिन बदलता कुछ नहीं। आपको साल 2008 की त्रासदी याद होगी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। बिहार उन राज्यों में है जहां हर साल बाढ़ आती है। वहीं बिहार में एक बार फिर से बाढ़ की वजह से लाखों जिंदगियां अचानक से बेसहारा हो गई हैं। जहां तक आपकी आंख जाएगी, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है, जैसे ये कोई सूखा इलाका नहीं बल्कि किसी दरिया के बीच कोई हिस्सा हो। यह नजारा इन दिनों बिहार के करीब 16 जिलों का है, जहां नेपाल के रास्ते से आ रही नदियों ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ राहत घोटाले के लिए कभी सुर्खियां बटोरने वाला बिहार इस बार बारिश की कमी के बीच भी बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। बांध टूटने, लोगों के बहने, जनजीवन अस्त व्यस्त होने की खबरें आ रही हैं। क्या यह समस्या नहीं है या कभी खत्म नहीं होगी? आखिर सरकार करती क्या है कि बाढ़ से बचने के लिए कोई उपाय हो नहीं पाता? देखिए, इन दिनों गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान और गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों को 2008 वाला डर सता रहा है। बिहार में 2008 में आई तबाही के निशान अभी भी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2008 में भयानक बाढ़ से 526 लोगों की मौत हुई थी और कई किसानों के खेत हमेशा के लिए बर्बाद हो गए थे। वहीं एक बार फिर से नेपाल में हो रही तेज बारिश की वजह से बिहार के गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और बाकी नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सीवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण और सहरसा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं राज्य के अगर 55 प्रखंडों की बात करें तो 269 गांव और पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार में लगभग 10 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक पानी के तेज बहाव की वजह से 4 जिलों में 7 जगहों पर तटबंध टूट गए हैं। बिहार के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे किया, ताकि लोगों को इस आपदा से बचाया जा सके। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु पर्याप्त दवाओं के साथ चिकित्सकों की नियुक्ति भी की गई है। देखिए, हर साल ये बाढ़ आती है, हर साल हवाई सर्वेक्षण होते हैं, लेकिन उपाय ताकि बाढ़ इस तरीके से विकराल ना हो, उसको रोकने के उपाय कम ही हो पाते हैं या वो कागजों में ही रह जाते हैं। बात केवल राहत की होती है। बाढ़ आने के बाद कैसे लोगों को पॉलीथीन शीट देकर मदद की जा सकती है, कैसे लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा सकता है, कैसे दवाइयां पहुंचाई जा सकती हैं, बात यहीं तक रह जाती है। अब क्या इस बार ये बात कुछ आगे बढ़ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताते हैं कि खास करके कोसी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, वो कैसे मिथिला के लिए भी अभिशाप बन गई है और सीमांचल के लिए तो है ही। आपको बता दें कि कोसी नदी के पानी से बिहार का एक बड़ा हिस्सा आबाद होता है, खास करके मिथिलांचल और सीमांचल। यहाँ के किसानों के लिए कोसी किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन जब पानी का सैलाब आता है तो यही कोसी रौद्र रूप भी दिखाती है। कोसी एक बार फिर से बिहार में रौद्र रूप दिखा रही है। कहा जाता है कि कोसी जब रौद्र रूप धारण करती है तो सब कुछ तबाह कर देती है। लाखों लोगों को बेघर होना पड़ता है, खेतों में रेत के टीले बन जाते हैं, जिससे वहां खेती करना भी नामुमकिन हो जाता है। इसके रौद्र रूप को देखते हुए ही कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी वैसे तो हर साल तबाही मचाती है, लेकिन अब तक 8 बार कोसी का तटबंध टूट चुका है। पिछली बार 2008 में नेपाल के कुसा में बांध टूटा था। 2008 की तबाही भला कौन भूल सकता है। लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा था, 526 लोगों की जान गई थी। इससे पहले 1951 में भी नेपाल के जुगनिया में, 1987 में गंडौल में, 84 में सहरसा जिले के नवहट्टा में, 81 में बहुआरा में और 71 में भटनिया में, 1968 में जमालपुर में और 1963 में डलवा में तटबंध टूट चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि हर साल बिहार इस आपदा का शिकार क्यों होता है, क्यों डूबता है बिहार? देखिए, बिहार में हर साल की बाढ़ आती है, खासकर उत्तरी बिहार में, जहां 19 जिले हैं। उत्तरी बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। बिहार में कई सारी नदियां हैं जो बाढ़ का कारण बनती हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में हिमालय से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहती हुई बक्सर जिले से बिहार में आती है। कमला और बागमती नेपाल से निकलती हैं। गंडक नदी तिब्बत से, जबकि कोसी हिमालय से निकलती है। बिहार में 36,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में नदियां फैली हुई हैं। मानसून में जब ज्यादा बारिश होती है तो ये नदियां भर जाती हैं, और अगर बिहार में कम बारिश होती भी है तो नेपाल में भारी बारिश के कारण नदियां बिहार में तबाही लाती ही हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल हमेशा ये उठता रहता है कि आखिर बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ से निजात मिलेगी कैसे? जनता और सरकार सबको यही जवाब चाहिए, और जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार बहुत सारी प्लानिंग तो करती है, योजनाओं की बात तो होती है, लेकिन जमीन पर ऐसी कोई ठोस योजना नजर नहीं आती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।